गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय का भाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में समाजशास्त्र के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, जिस देश में हम रहते हैं आज, अब उस देश के बारे में बात करनी है। भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। आधुनिक पूंजीवाद तथा औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को प्रभावी बनाया। देखिए, आप सभी जानते हैं जब वो हमारे देश के अंदर औद्योगिकरण होने लगा, पैसा आने लगा, पूंजी पैदा होने लगी, तो उपनिवेशवाद को प्रभावी किया। उपनिवेशवाद एक वो चीज़ होती है जिससे कि लोग अपने किसी भी कार्य को करने का प्रयास करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, इस तरह की प्रक्रिया। आधुनिक समाज के विभिन्न पक्षों पर विचार के लिए पश्चिमी सामाजिक शास्त्रियों के पूंजीवाद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कहते हैं जो प्रभाव है, जो हमारे समाज शास्त्री हैं पश्चिमी, उनकी पूंजीवाद पर प्रभाव महत्वपूर्ण है। भारत में ही हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए इसे समझना प्रासंगिक है कि भाई भारत में जो ये सामाजिक परिवर्तन हुआ समाजशास्त्र के आने के बाद, उपनिवेशवाद के बाद, औद्योगिकरण के बाद, पूंजीवाद के बाद, अब इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। शहरीकरण के संदर्भ में बात करें, अगर शहर के उसमें बात करें, तो उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत पर भी उसी प्रकार ना था जैसे पश्चिम में था। कहते हैं भारत का पर ही उद्योगों का प्रभाव इस प्रकार नहीं था। कार्ल मार्क्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी सुना होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर अपनी टिप्पणियों में इन असमानताओं को उजागर कर दिया है। कहते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने, कि भारत जो लंबे समय तक विश्व को महीन कपास प्रदान करने वाला महान कार्यस्थल था। कपास जानते हैं, रुई होती है बच्चों, जो हम अपनी रजाई वगैरह में भरते हैं, इसे प्रदान करने वाला महान कार्यस्थल था। भारत में सबसे ज़्यादा रुई का उत्पादन होता था कपास यानी। अब ब्रिटिश धागों को और सूती वस्त्रों से भर दिया गया है। ब्रिटिश जो धागे थे और सूती जो वस्त्रों से भर दिया, इसके उत्पादन को ब्रिटेन से बाहर कर दिया था अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार कर अंग्रेज के उत्पादों पर न्यूनतम कर लगाकर भारी मात्रा में वहां भेजा गया। स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया। जो हमारे वस्त्र थे, जो हमारे देश में बनते थे, उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो कभी भी यहाँ की शान हुआ करते थे, इज्जत हुआ करते थे, मान सम्मान हुआ करते थे भारत की, वो क्या था, सूती वस्त्र बने हुए कपड़े, वो सब क्या थे, नगिसान हुआ करते थे। अब बात करते हैं अगले, इस पर चलते हैं पहरे पर। भारत में समाजशास्त्र को पश्चिमी लेखकों के लिखित दस्तावेजों से जूझना पड़ा था। दस्तावेज होते हैं जो उनके कागज थे। यह विचार अंग्रेजी उपनिवेशिक अधिकारियों तथा पश्चिमी विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए। दोनों अंग्रेजी विद्वान थे और अंग्रेजी उपनिवेशिक कह सकते हो या पश्चिम के विद्वान कह सकते हो। इन रचनाकारों के लिए भारतीय समाज का पाश्चात्य समाज से भिन्न था। पाश्चात्य समाज जो पहले का ही समाज था उससे ना आज का समाज, जो भारत का समाज था, वो बिल्कुल भिन्न था। वो कैसे था कि भारतीय गांवों को पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार समझा तथा उसका अपरिवर्तनीय चित्र प्रस्तुत किया है। देखने लायक, जो सोच भी नहीं सकते, ऐसा उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है। इसे समझना जरूरी है। ऐसे समकालीन तथा विक्टोरियन विकास से सहमति रखने वाले पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय समाज को एक अवशेष के रूप में देखा है। अवशेष मतलब होता है चिन्ह के रूप में, एक भाग के रूप में, बचा हुआ टुकड़े के रूप में। शेषावस्था का समाज कहा गया है। शेषावस्था का समाज यह मैंने मतलब कुछ थोड़ा बड़ा बचा हुआ समाज। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में यूरोपीय समाज का अतीत देखा है। अतीत मतलब वहाँ का कुछ पुराना पिछला भाग देखा है। भारत जैसे उपनिवेशिक विरासत वाले देश को समाजशास्त्री तथा सामाजिक मानव विज्ञान में प्राय अंतर किया जाता है। कहते हैं समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में प्राय इसका अंतर किया जाता है, दोनों को अलग मानने का प्रयास किया जाता है।
के अनुसार कहते हैं कि मानव समूह का, कहते हैं इसमें मानव समूह और समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है। मानव समूह है मनुष्यों का, इंसानों का, मनुष्यों का जो समूह है, और समाज का अध्ययन यानी जो इसमें जो सब लोग एक साथ रहते हैं उसका अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। फिर इन्होंने अपनी परिभाषा दी है जिसमें औद्योगिकृत विश्व को विश्लेषण पर प्राप्त कर दिया गया है। भारतीय समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवासन के अनुसार, ये भारतीय समाजशास्त्री एम श्रीनिवासन, उन्होंने क्या कहा है कि भारत जैसे देश में जिसके आकार और विभिन्नता के चलते ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच असंख्य दूसरे अंतर हैं, कहते हैं कि गांव और शहर के अंदर बहुत अंतर पाए जाते हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा भारत में है, ऐसी संस्कृति और समाज में भारत में है दूसरों से आमना सामना वास्तव में आसपास अथवा पड़ोस से पड़ोस में ही हो जाता है। ये जैसा हमारी स्थिति हमारे भारत के अंदर है ऐसी हमें आसपास में पता लग जाता है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। अब कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का भाग है। अभी हमने पीछे कहा समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र अपने आप को भी विज्ञान मानता है और समाजशास्त्र है सामाजिक विज्ञान, इसलिए समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के समूह का भाग है। इसमें अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास इत्यादि सम्मिलित हैं। ये सब सामाजिक विज्ञान के अंदर आएंगे। इस प्रकार कहते हैं इसमें कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न विभाजन स्पष्ट है। विभाजन का मतलब है ये जो जितने भी अगर बात करें अर्थशास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, ये समाजशास्त्र से भिन्न है। इसमें कई साझी रुचियाँ भी हैं, संकल्पनाएं भी हैं, पद्धतियाँ शामिल हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि विषय में पृथकता स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से है, अलग किया हुआ है, अपनी मर्जी से है, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है और कठोरता से इसका पालन नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती इसका पालन भी नहीं किया जा सकता। सामाजिक विज्ञान के विषयों को अलग अलग करना, उनके बीच के अंतर को अंतर्जित करना तथा समानताओं का अवधारणाओं को चढ़ाने जैसा है। उदाहरण के तौर पर राजनीतिक शास्त्री और अर्थशास्त्री नारी अधिकारवादी सिद्धांतों का विश्लेषण, राजनीति पर प्रभाव परिवार के समाजशास्त्र तथा लैंगिक श्रम विभाजन के आधार पर ही किया कर सकता है। ये सारी बात अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से इसमें बात कर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अब शुरू होने वाले हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। अब ये जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी ये शास्त्र हैं, चाहे अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, इन सब के बारे में इनका दोनों का समाजशास्त्र से कैसे इनका संबंध है। कहते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों पृथक सामाजिक विज्ञान है, पृथक मतलब अलग अलग हैं दोनों, परंतु दोनों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, यानी बहुत ही कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे संबंध पाए जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। कहते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि में आर्थिक क्रियाकलाप जन्म लेती हैं। आर्थिक प्रगति का इतिहास ही मानव सभ्यता का वास्तविक इतिहास है। आर्थिक प्रगति मतलब जब देश या कोई भी चीज़ प्रगति करती है, आगे बढ़ता है, तो वो इतिहास ही मानव सभ्यता के वास्तविक इतिहास है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो अर्थशास्त्र की गोद में फला और फूला है। अर्थशास्त्र की गोद में फला और फूला है कौन? अर्थशास्त्र की गोद में फला और फूला है कौन? फूला है समाजशास्त्र। कहते हैं समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन की व्याख्या करता है। मैंने पहले भी बताया बच्चों समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक जीवन के बारे में बात करता है, उसकी व्याख्या करता है। जबकि अर्थशास्त्र क्या करता है, मानव की आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र है। दिग्दर्शन मतलब होता है दिखाने वाला, उसके भविष्य को बताने वाला, उसकी आगे की जानकारी देने वाला, इस प्रकार का शास्त्र होता है। प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की साधारण व्यावहारिक व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन कराता है। हम जो रोज़ अपनी इनकम करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम नौकरी करते हैं, जो भी हम पैसा कमाते हैं, सारी चीज़ों के संबंधी के बारे में हमें जानकारी प्रदान कराता है कौन? अर्थशास्त्र। यह पता लगाता है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है, जो मनुष्य है जो किस प्रकार धन कमाता है, किस प्रकार वो अपने उसे खर्च करता है। आप भी देखते हो पैसा कमाना और खर्च करना दोनों है तो आसान, कमा लेते हैं उसे तुरंत खर्च भी करते हैं, पर उसका हिसाब नहीं रख पाते। यह एक और धन का अध्ययन और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। इसके बाद फेयर चाइल्ड के अनुसार कहते हैं अर्थशास्त्र मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन कराता है
या अध्ययन है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए की जाती है। आप सभी बच्चों में अंडरलाइन करके बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। आगे है इसमें भौतिक संसाधन क्या है जो हमें प्रतिदिन हमारी जिन जरूरत होती है जिनके हम यूज करते हैं, चाहे उसमें मोटरसाइकिल है, चाहे उसमें आपकी घर में टीवी है, चाहे मोबाइल है। आज की अगर बात करें तो ये हमारे बहुत ज़रूरी संसाधन है। इनकी आवश्यकताएं जो हैं, इनकी संतुष्टि हमें किसके माध्यम से होगी, पैसे के माध्यम से। अगर पैसा हम कहाँ से किस तरीके से कमाएंगे, व्यापार करके या कोई बिजनेस करके या कोई नौकरी करके, उसका सही तरीके से किस प्रकार से उसका हम व्यवस्थित ढंग से किस प्रकार खर्च कर पाते हैं, उसका यानी कहाँ जानकारी कहाँ से मिलती है, अर्थशास्त्र के माध्यम से। अब इनके संबंध जानते हैं दोनों के, किस प्रकार के संबंध हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, यानी इसकी जानकारी सामने रखता है, उसे प्रस्तुत करता है। ब्यौरा का मतलब यही होता है। समाजशास्त्र उसी मनुष्य की सभी पहलुओं का विवरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दोनों विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। सामाजिक दशाएं आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक दशाओं को प्रभावित करती हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक पृष्ठभूमि से जन्म लेकर विकसित होता है। अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ये तो बात सही है बच्चों की, अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इन दोनों में बहुत ही निकट का संबंध होना स्वाभाविक है। इस प्रकार से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र कुछ समस्याओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे हो सकता है, देखिए कौन कौन सी हैं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम कल्याण एवं उसकी समस्याएं, बेकारी, गरीबी पिछड़ापन एवं ग्राम में विकास आदि समस्याओं को दोनों साथ निरूपण करते हैं, यानी समाधान करने का प्रयास करते हैं। इन सभी, अगर मैं शब्दों पर फिर एक बार जाऊँ कि कहते हैं औद्योगिकरण के लिए नगरीकरण या शहरों का विकास होना, श्रम कल्याण होना, मेहनत जो करते हैं, अनेक उसकी समस्याएं हो सकती हैं, बेकारी हो सकती है, बेचारा कोई गरीब आदमी हो सकता है या बेरोजगार हो सकता है, ठीक है, गरीबी हो सकती है, गरीब पिछड़ापन हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र। आप देखते हो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं बहुत पीछे रह जाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। ग्राम में विकास आदि सारी समस्याओं का समाधान कौन करता है, दोनों लोग मिलकर ही करते हैं, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इन सब के लिए जिन सामाजिक कारक उत्तरदायी हैं उतने ही आर्थिक कारक भी उत्तरदायी हैं। दोनों के लिए आपस में जब बताया पहले कि घनिष्ठ संबंध भी है, तो कहते हैं कि सामाजिक कारक भी हैं तो आर्थिक कारक भी हैं। सामाजिक कारक कहते हैं कि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं तो जो कामचोर होते हैं, वो करना नहीं चाहते, कोई करने नहीं देना चाहता है। आर्थिक कारक क्या है कि हो सकता है पैसे की समस्या हो, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा हूँ। आर्थिक और सामाजिक कारक भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में पारंपरिक निकटता होना स्वाभाविक है। इस प्रकार से कहते हैं दोनों में निकटता पाई जाती है। अब इनका दोनों में अंतर देख लेते हैं एक बार, नहीं कि पॉइंट नंबर वन पे चलते हैं, दोनों में किस प्रकार की अंतर है। समाजशास्त्र और सामाजिक संबंधों और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में समाजशास्त्र संबंधी सामाजिक संबंधी और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक घटनाओं का ब्यौरा का अध्ययन किया जाता है। इसमें तो सामाजिक संबंध और सामाजिक घटना, और इसमें किस क्या बात करते हैं, आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक घटनाओं कि भाई किस प्रकार से पैसा कमाना चाहिए या किस प्रकार पैसा घटा है या कम हुआ है, कैसे उस तरीके की बातें इसमें की जाती हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट पे, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक दशाएँ और घटनाएँ हैं। भाई समाजशास्त्र जो है वो समाज से जुड़ी हुई बातों के बारे में ही बात करता है, जबकि अर्थशास्त्र क्रियाओं का विवेचना भी करता है। जो अर्थशास्त्र जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो भी काम कर रहा है व्यक्ति, उसके लेके एक पैसे से लेके उसके 100 पैसे तक की सारी जानकारी रखता है। फिर कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में, समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन की सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जितनी भी उसकी पूरी जीवन शैली है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक क्षेत्र से ही संबंधित है, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, उससे पैसे जुड़ी हुई से ही बात करता है। आगे चलते हैं पेज नंबर 4, यानी इसमें पेज नंबर वैसे 15 है। फिर कहते हैं पॉइंट नंबर 4 में, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है और अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है, यानी इसका बहुत बड़ा है और इसका बहुत छोटा है। फिर कहते हैं समाजशास्त्र का मुख्य रूप से सामाजिक सम्मिश्रण और सामाजिक अनुसंधान और जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में धन कमाने, खर्च करने, उत्पादन, विपणन, राजस्व संबंधी आदि तत्वों पर अध्ययन किया जाता है। पहले भी ये बातें बता चुका हूँ कि जो धन कमाने की बात, खर्च करने की बात, उत्पादन कैसे होता है, विपणन,
यानी कोई चीज़ बांटी जाती है उसको कैसे, राजस्व संबंधी सारी चीज़ों की जानकारी इसमें मिलती है। इसमें केवल क्या होता है, जीवन जीने की शैली का अध्ययन किया जाता है, जीवन की जो शैली है, जिस तरीके से हम जीवन में जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं, समाजशास्त्र के नियम। अगर हम बात करें इसमें, समाजशास्त्र के नियम सार्वभौमिक हैं यानी सभी के लिए हैं और स्वतंत्र भी हैं, और दूसरी घटनाओं को उनको वास्तविक रूप से दर्शाया जा सकता है, जबकि अर्थशास्त्र का नियम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। फिर कहते हैं 7 पॉइंट में कि प्रकृति समूह से जुड़ी हुई है, बल्कि अर्थशास्त्र प्रकृतिवादी है, प्रकृति व्यक्तिवादी है, ये व्यक्तियों से ही जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति से जुड़ा भी हो सकता है। और लास्ट में कहते हैं समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, यानी ये बहुत एक सिंपल बात करें तो ये आसान है और ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं और एक दूसरे में घनिष्ठता भी पाई जाती है। ये सारी बात इसके माध्यम से कही है कि सहारनपुर में कहा जा सकता है समाज और अर्थशास्त्र में कुछ समानताएं हैं तो कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। इस इन सब के बावजूद भी आर्थिक जीवन का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र एक ऐसी शाखा है जो सामाजिक जीवन के आर्थिक और गैर आर्थिक पक्षों के बीच में संबंधों का अध्ययन करती है। सामान्य भाषा में इसे आर्थिक समाजशास्त्र भी कहा जा सकता है, आर्थिक समाजशास्त्र भी इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से संबंध रखे हुए है, कुछ विभिन्नताएं भी इसमें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें अब राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों में सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना यही माना जाता है राजनीतिक शास्त्र, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसी से राज्य संबंधित अवश्य रहता है, इसी कारण समाजशास्त्र में राज्य से संबंधित विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में राज्यों से संबंधित विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है। राज्यशास्त्र में मुख्य रूप से सत्ता यानी जो राजनीतिक दल हैं, जो जो आज देश को चलाते हैं, राजनीतिक संबंध तथा राजनीतिक घटनाओं का पहलू पर अध्ययन किया जाता है। बच्चों, जो राजनीतिक शास्त्र है वो राजनीति यानी पोलिटिकल उसके ऊपर ही बात करता है, और समाजशास्त्र सामाजिक विभिन्न कार्यों का अध्ययन कराता है, जो राज्य में कार्य हो रहे हैं उन संबंध विभिन्न संबंधित कार्यों पर बात करता है। इसके अंतर्गत सरकार विपक्षी दल होते हैं, सरकार होती है जो सरकार चलाती है, इसे पक्ष कहेंगे, इसे विपक्षी दल कहेंगे, जो दूसरे होते हैं जिनकी सरकार नहीं होती है। राजनीतिक दल तथा संस्थावादी का अध्ययन किया जाता है। गार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र मानव संबंध से केवल एक प्रकार के अर्थात राज्य के संबंधित संबंधों के समस्त प्रकार का अध्ययन कराता है। गेडिल के अनुसार क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है, इसके अंतर राजनीति समुदाय शासन के संगठन कानून की व्यवस्था अन्य राज्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से ये अपने अपने व्याख्या में अपनी परिभाषा में बात कर रहे हैं, इनका राजनीतिक संबंध कैसे है समाजशास्त्र के साथ इसे देख लेते हैं, बाकी आप अपने अनुसार इस परिभाषा को पढ़ सकते हैं, जेनेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या कहा है। अब संबंध देखते हैं दोनों का कैसा है। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की समानता इस भाव से व्यक्त होती है कि कुछ समय पूर्व तक दोनों का एक ही विज्ञान माना जाता था, आज राजनीतिक समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना जाता है। राजनीतिक शास्त्र जहाँ राज्यों की प्रक्रियाओं का परिप्रेक्ष्य में समाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, वहीं समाजशास्त्र व्यक्ति और समाज की सामान्य अध्ययन करा प्रस्तुत करता है। इसके बाद भी कहते हैं कि ये दोनों का बारे में जो संबंध है उसके बारे में भी कैटिलिन के अनुसार जो उन्होंने अपनी परिभाषा दी वो क्या कहते हैं कि नंबर एक में क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को अलग अलग करना संभव नहीं है, वास्तव में ये दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं, यानी एक ही चीज है उसके दो भाग हैं, इस प्रकार से उन्होंने इसे अलग करने के लिए मना किया है। गिडेंस के अनुसार समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को अनभिज्ञ लोग बोलते हैं जो की जानकारी नहीं होती। राज्य के सिद्धांतों को पढ़ना वैसे ही निरर्थक है जैसे न्यूटन द्वारा बताया गया गति के नियम को न जानने वाले व्यक्ति द्वारा भूगोल अथवा उस विज्ञान को पढ़ना। कहते हैं कि उसी प्रकार मानना चाहिए जिस प्रकार से न्यूटन ने अपनी बात को रखा कि मान लो किसी को गति के नियम के बारे में जानकारी ना हो और वो भूगोल अथवा उस विज्ञान को पढ़ा रहा हो, इस प्रकार से वो अपनी बात को बता रहे हैं। अगले पेज पर चलते हैं, दोनों का अंतर जानते हैं। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन है, अभी पीछे बता सामाजिक समस्याओं का समाधान भी करता है, समाज का संपूर्ण अध्ययन कराता है, समाज की पूरी जानकारी प्राप्त कराता है, कौन समाजशास्त्र। राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक पक्ष अर्थात राज्य की उत्पत्ति व्यवसाय तथा विकास से संबंधित बात करता है, इस प्रकार यह एक सीमित और विशिष्ट प्रकृति का विज्ञान है। समाजशास्त्र दूसरे पॉइंट में बात करें सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है चाहे वो संगठित हों या विघटित हों। राजनीतिक शास्त्र समाज में केवल उन संगठित दशाओं का ही अध्ययन कराता है जिनका राजनीतिक जीवन से ही स्पष्ट छाप हो।
केवल ये राजनीतिक चीजों से जुड़ी हुई से ही बातें कराता है, बाकी चीजों से बात नहीं कराता है। बाकी पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, उन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं पांचवें पॉइंट में, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक प्राचीन है। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र सबसे पुराना है। इस कारण यह है कि समाज का निर्माण और विकास राज्यों से बहुत पहले हो चुका है। कहते समाज का निर्माण विकास राज्य से, यानी जो राज्य बने हैं उनसे पहले समाज का निर्माण हो चुका है, इसलिए समाजशास्त्र को सबसे प्राचीन समाजशास्त्र यानी शास्त्र माना जाता है। स्वयं गणना के अनुसार स्वीकार किया गया है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल संघ अर्थात राज्य से ही संबंधित होता है, ये केवल राज्यों से संबंधित होता है राजनीति विज्ञान, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानवीय संघों से का अध्ययन कराता है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, एक बार इसे पढ़ लेंगे। अब है समाजशास्त्र और इतिहास, इसे भी जानते हैं कि ये बड़ा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात टॉपिक भी है, समाजशास्त्र और इतिहास। समाजशास्त्र काफ़ी हद तक ऐतिहासिक घटनाओं एवं विचारों का भी अध्ययन कराता है। समाजशास्त्र ऐसी घटनाओं का अध्ययन कराता है, उन पर विचार करता है जो बहुत पुरानी होती हैं। ऐतिहासिक घटनाओं एवं विचारों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत ही किया जाता है बच्चों। अतः समाजशास्त्र और इतिहास का आपस में अच्छा संबंध रहा है। पहले से मानते हैं कि जो इतिहास है और जो समाजशास्त्र है उसका जो संबंध है बहुत ही अच्छा रहा है। घाटे के अनुसार हमारे संपूर्ण भूतकाल यानी जो बीत चुका है अध्ययन तथा लेखा जोखा अर्थात ज्ञात प्रमाण है। हमें जानते हैं कि जो बीत चुका है उसके बारे में कहाँ से पता चलता है, हमें इतिहास से पता चलता है। रेपसन के अनुसार कहते हैं इतिहास घटनाओं को विचार को प्रति एक सुसंबद्ध विवरण है। ये दोनों जो अपने अपनी बात कह रहे हैं समाजशास्त्री, उन्होंने ये ऐसा कहा है कि जो पीछे बीत चुकी बात है उनका एक लोखा लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला जो कौन है वो इतिहास ही एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें पता लगता है कि पीछे क्या हुआ है। समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध देख लेते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों परस्पर इस प्रकार गुथे हुए हैं या जुड़े हुए हैं जैसे वस्त्र का ताना और बाना गुथा हो जाता रहता है। जो जैसे आपने कपड़ा देखा होगा उसके अंदर जो धागे होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे जकड़ रहे होते हैं कि एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते। दोनों विज्ञानों के दृष्टिकोण में अंतर होते हुए भी विषय वस्तु साम्य पाई जाती है, यानी दोनों भले ही अलग अलग दृष्टिकोण रखते हो फिर भी इनकी जो विषय वस्तु है, इनका जो मेन टारगेट है, जो मेन टॉपिक है, वो दोनों क्या है, एक ही बात कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अनेक विद्वान दोनों को एक मानते हैं। समाजशास्त्री भूतकालीन घटनाओं का वर्तमान में परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास भूतकालीन सामाजिक घटनाओं का लेखा जोखा होता है। इतिहास सभ्यता एवं संस्कृति का देश काल और समय के अनुरूप अध्ययन कराता है। जो इतिहास है उसकी सभ्यता है, संस्कृति है, देश काल और समय के अनुसार अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र उन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखता है। जॉर्ज ई होवर्ट के शब्दों में इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ये भूतकालीन है, कहते हैं इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। अगर बात करें तो समाजशास्त्र पुराना है, इतिहास पुराना है और समाजशास्त्र वर्तमान की बात प्रस्तुत करता है। वास्तव में इतिहास वह समाजशास्त्र का सामाजिक अतीत का अध्ययन कराता है जैसे मानव द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। समाजशास्त्र का अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बिना अधूरा है। कहते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन बिना इतिहास के नहीं हो सकता है। अगले पेज पर चलते हैं, इनके संबंध देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं दोनों के, कि क्या क्या अंतर क्या है इनके। समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर, सामाजिक और इतिहास के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों में पर्याप्त समानताएं दृष्टिकोण अंतर होती हैं, यह भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ते हैं। जैसे बात करें नंबर एक, समाजशास्त्र में समाज की वर्तमान घटनाओं और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास में भूतकालीन घटनाओं का लिपिबद्ध करते हैं, पुरानी बातों को प्रस्तुत करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में कहते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, जबकि इतिहास में मुख्य रूप से ऐतिहासिक पद्धति देखी जाती है, यानी इसमें वर्तमान की पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसमें पूर्व की पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे, इसके माध्यम से दी गई है, पूरे 6 पॉइंट हैं। फिर भी छठा पॉइंट एक बार बता देता हूँ, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण साधारण घटनाओं का विवरण से जुड़ा हुआ है। ये वर्तमान से जो साधारण घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है, जबकि इतिहास मुख्य रूप से साधारण घटनाओं का विवरण से संबंध है। इसके बाद सारांश के रूप में अगर हम बात करें, इतिहास और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई शाखाएं हैं। कई मामलों में जहां इनमें कुछ भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, तो वहीं कई मामलों में एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर
और दुखिम आदि ने सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए इतिहास का सहारा लिया है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र की स्थापना साथ ही इतिहास और समाजशास्त्र के संबंधों अधिक मजबूत हो गई है। अगली बात करें यानी संबंध अधिक मजबूत हो गए हैं। अब है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। देखिए इससे पहले हमने अर्थशास्त्र पढ़ा, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र पढ़ा, अब इतिहास पढ़ा और इसके बाद आ रहा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ एक शास्त्र है, उसके बारे में भी जानते हैं। समाजशास्त्र में व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बार बार यही बातें फिर रिपीट हो रही हैं। ये संबंध कुछ हद तक मानसिक दशाओं पर मानसिक क्रियाओं से प्रभावित होते हैं, यानी मन से जुड़े होते हैं, मन के विचार होते हैं, मन से मानना होता है किसी भी बात को। इन्हीं मानसिक क्रियाओं तथा दशाओं का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। ये जितनी मानसिक दशाएं और जो मानसिक क्रियाएं हैं इनका अध्ययन किस में किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ बच्चों, मानसिक क्रियाओं दशाओं का अध्ययन किस में किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को सामान्य रूप से मस्तिष्क यानी आपका कहेंगे सोचने समझने वाला वो स्थान जहाँ से हम सोचते हैं, यानी सिर हो सकता है, मस्तिष्क के अंदर है, मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। वुडवर्ड के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। फिर एक बार पढ़ देता हूँ बच्चों, मनोविज्ञान वातावरण के संबंधों में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। स्किनर के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कराता है। जो व्यक्ति जो क्रियाएं करता है, जो जैसा व्यवहार करता है, उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अथवा व्यवहार से तात्पर्य है प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं, कैसा वो कर रहा है, वो कौन से व्यवहार से बात कर रहा है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, समायोजन की क्रियाओं तथा अनुभवों से है। ये सारी बातें जो कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य की क्रियाओं से है, प्रतिक्रियाओं से है, उसके व्यवहार से है, उसके नेचर से है। अब इसका संबंध जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। सारे अगर बात करें सभी विज्ञान समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध ही रखते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है तो समाजशास्त्र व्यक्ति की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करता है। मानसिक तत्वों का अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है जबकि मानव व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र से किया जाता है। ये बातें सारी बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार ये कही जा रही हैं। मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में जानते हैं क्या कहते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार ये लिखा हुआ है, मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में क्या कहा है इसके बारे में। समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है। इसे सहायता देता है मनोविज्ञान को सहायता देता है कौन देता है? समाजशास्त्र। इस प्रकार की मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है, उसी प्रकार मनोविज्ञान भी समाजशास्त्र को पूरी सहायता देता है। नेडेल के अनुसार क्या कहते हैं इसके, वो उनका कथन क्या है? मनोविज्ञान की सहायता से सामाजिक जांच भली प्रकार से की जा सकती है। सामाजिक मनोविज्ञान नामक नवीन विषय के समाजशास्त्र और मानव विज्ञान को परस्पर निकट लाने का प्रमुख भूमिका निभाई है। समाजशास्त्र की जो और मनोविज्ञान को दोनों को एक दूसरे के जोड़ने का काम किसने किया है? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान ने किया है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार से मनोविज्ञान भी और समाजशास्त्र भी एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध इसमें पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले पेज पर। इनमें क्या क्या अंतर है बच्चों, अंतर पढ़ते हैं। नंबर एक, मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रियाओं उसके व्यक्तित्व व्यवस्था से है, यानी उसके व्यवहार से है, उसकी पर्सनैलिटी से है, उसके विचारों से है। जबकि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक प्रतिक्रियाओं से है, उसकी प्रक्रियाओं से है और सामाजिक व्यवस्था से है कि किस तरीके के माहौल में वो रहता है, किस तरीके का उसका कार्य है। फिर कहते हैं दूसरे नंबर पे, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र समाज की तुलना में सीमित है। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन कराता है। जो जितना भी पूरा समाज है उसकी जानकारी कौन कराता है? समाजशास्त्र कराता है। जबकि मनोविज्ञान ही केवल मानसिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन कराता है, कैसे वो सोचता है, कैसा वो करता है। फिर कहते हैं मनुष्य के सामाजिक संबंध और सामाजिक प्रतिक्रियाओं और मोटे रूप से संपूर्ण समाज जीवन का अध्ययन कराता है। इस प्रकार से कहते हैं एक दूसरे से अध्ययन कराते हैं। चौथा नंबर देखेंगे, इन दोनों शास्त्रों के अध्ययन पद्धति में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। सारांश में बात करें, सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों मूल विज्ञानों के विषय क्षेत्र से बना एक नया विज्ञान है जो व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन उसी सामाजिक अंतः तथा समूह व्यवहार के संदर्भ में करता है।
सामाजिक मनोविज्ञान से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच का समाप्त हो गया है। क्या है जो अंतर था वो दोनों का समाप्त हो गया है। अब इसमें बात करते हैं समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान। मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान भी कहा जा सकता है इसे। संस्कृति, इतिहास, भाषा, विभिन्न शाखाएँ, सामान्य समाज के जीवन जैसे पक्षों को सम्मिलित किया गया है। यह सामाजिक मानव विज्ञान और संस्कृति मानव विज्ञान पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार से बात करें तो मनुष्य की जो कल्चर है उस तरीके की उन चीज़ों पे ये विचार विमर्श करता है और लोगों को यह जानकारी सबको प्राप्त कराता है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाज का अध्ययन समझा गया है, यानी जितना आधुनिक जो हमारा जटिल समाज है उससे अध्ययन कराने वाला समाजशास्त्र समझा गया है, यानी इसको शास्त्र समझा गया है। जबकि सामाजिक मनोविज्ञान को सरल समाज का अध्ययन माना गया है। जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो केवल सरल समाज के बारे में ही अध्ययन करता है, जबकि ये जटिल समाज के बारे में बात करता है। कौन समाजशास्त्र? प्रत्येक विषय का अपना अपना इतिहास और विकास क्रम होता है। अपना अपना इतिहास होता है और अपना अपना उसका विकास क्रम होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा है। फिर बात करते हैं सामाजिक मानवीय विज्ञान के विकास। पश्चिम तब प्रारंभ हुआ जब पश्चिमी मानव विज्ञान के गैर यूरोपीय समाज का अध्ययन कर रहे थे। विजातीय, अशिष्ट तथा असभ्य करार दिया गया, यानी ऐसा कि जो ऐसे वो लोग यूरोपीय समाज के जो लोग थे जिन्हें कुछ नहीं मान रहे थे, उन्हें बिल्कुल असभ्य मान रहे थे, ऐसे लोगों का अध्ययन कराने का काम किसने किया? सामाजिक मनोविज्ञान ने। इस प्रकार से ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि परिवर्तन ने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की है जिसमें सुदूर गांव की भूमंडलीकरण से प्रभावित हुआ है। ब्रिटिश उपनिवास के दौर में भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों को तब की भूमि कानून में परिवर्तन, राजस्व की वसूली में परिवर्तन तथा अपने उत्पादन उद्योग को समाप्त होते हुए देखा है। इस प्रकार से इन्होंने जिसमें परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ कि जो दूर गांव थे उनके जो जमीनों पर उन्हें पैसा टैक्स लगा हुआ होता उन सारी चीज़ों को परिवर्तन लाने का प्रयास किया। फिर कहते हैं इसके बाद इसमें अगले पेज पर चलते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान की विशेषताएं लंबी क्षेत्रीय परंपरा है, सामुदायिक इत्यादि का अध्ययन है। इसमें अध्ययन अनुसंधान की निर्मित नृत्य जातियाँ पद्धति का उपयोग किया गया है। कहते हैं सारी बातें अगर बात में करें, सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सामाजिक मनोविज्ञान में जो विशेषता है वो पूरा प्रयास ये किया गया है कि जैसे जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें एक साथ जोड़ने का, उनका एक समूह बनाने का प्रयास किया, एक समुदाय बनाने का प्रयास किया गया है। सभी प्रकार की प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करता है। वर्तमान में एक सरल तथा जटिल समाज में अंतर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत परंपरा, आधुनिक गांव और शहर, जाति और जनजाति, वर्ग और समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। ये सारी चीज़ें भारत के अंदर देखी जाती है, गांव हैं और शहर हैं, जाति हैं और जनजातियाँ, वर्ग हैं और समुदाय हैं, एक जटिल मिश्रण है। अगर मैं इन पर अंडरलाइन कर दूँ द्वारा कि गाँव और शहर, जाति और जनजाति, वर्ग और समुदाय, ये एक जटिल मिश्रण है बच्चों। फिर कहते हैं दिल्ली के बीच में गांव हैं, देश में विभिन्न शहरों में कॉल सेंटर हैं, जैसे यूरोपियों तथा अमेरिकी ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान वो करते हैं, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार से बच्चों इसमें जो आपको कहा गया है पाठ के सारांश को हम लास्ट में देखते हैं। इस अध्याय में हमने समाजशास्त्र की कल्पनाओं का अध्ययन किया है। समाजशास्त्र क्या है उसके बारे में जाना है, उसका विकास कैसे हुआ, जो व्यक्तिगत जनहित के मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है, यह हमें इतिहास और समाज के विकास क्रम का ज्ञान देता है। समाज में बहुलताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, आपने देखा बहुत सारी बातें सबकी अलग अलग होती हैं, विशेषताएं अलग अलग होती हैं, जो विविध प्रकार के माध्यम से भारतीय समाज को समझने में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम बात करें समाजशास्त्र की समानता और असमानता विभिन्न समाज विज्ञान विषय से है, इसकी संकल्पनाएँ हमें विषय के निकट ले जाती हैं जबकि पद्धति में अंतर विषय को पृथक करती हैं। इस प्रकार से बच्चों ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। दोनों वीडियो के माध्यम से, इससे पहली वीडियो जिससे पिछला भाग था उस वीडियो के माध्यम से और जो ये भाग अब आपको पढ़ाया जा रहा है इस विभाग के माध्यम से, इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी दी गई हैं और इसके बाद इसके अभ्यास कार्य भी दिया गया है, वो नोट्स के माध्यम से
आप सभी बच्चे इस महत्वपूर्ण शब्दावली को पढ़ लेंगे और इन्हें जो विशेष शब्द इनमें आए हैं उन्हें समझ लेंगे। साथ में जो इनके नोट्स हैं वो आपको आपके ग्रुप के माध्यम से आपको प्रेषित किए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट कराए गए हैं उन्हें विशेष कर अपनी कॉपी पर उतार लेंगे। नमस्कार।